गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय सब्जेक्ट इज EECA इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड नीड फॉर एनर्जी ऑडिट। इन द टुडे लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट? सो द मेन टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज दैट types of energy audit. The type of energy audit to be performed depend on जो भी energy audit का हम type perform कर रहे हैं वो निम्न factors पर depend करता है. The type of energy audit to be performed depend on जो भी हम energy का type perform करते हैं वो निम्न factors के ऊपर depend करता है. First factor is that function and type of industry. इंडस्ट्री के टाइप के ऊपर और इंडस्ट्री में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर और उसमें जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड इज द डेप्थ, डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड, उस गहराई के ऊपर डिपेंड करता है जिसपे हमें फाइनल ऑडिट की आवश्यकता है. डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड, उस गहराई के ऊपर डिपेंड करता है जिसपे हमें फाइनल ऑडिट की आवश्यकता है. उस डेप्थ पे डिपेंड करता है जिससे हमें फाइनल ऑडिट की आवश्यकता है. नेक्स्ट फैक्टर इज द थर्ड फैक्टर इज दैट पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड, हम कितना कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं, हमारा इच्छित कॉस्ट रिडक्शन जो भी हम इच्छा के अनुसार जो भी हमारा कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड है उसके पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड, जो भी हम कॉस्ट रिडक्शन जो भी हमारा डिजायरेबल कॉस्ट रिडक्शन है उसके पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है. थस एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, इस प्रकार एनर्जी ऑडिट को निम्नलिखित टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. थस एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, इस प्रकार एनर्जी ऑडिट को निम्नलिखित टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप इज दैट प्रीलिमिनरली ऑडिट, प्रीलिमिनरली मतलब पहले से तय किया गया प्रीलिमिनरली ऑडिट. सेकंड टाइप इज दैट डिटेल्ड ऑडिट, एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज दैट प्रीलिमिनरली ऑडिट एंड सेकंड टाइप इज दैट डिटेल्ड ऑडिट. सो लेट अस स्टार्ट विद प्रीलिमिनरली ऑडिट, प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट. प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी, एनर्जी ऑडिट ऑडिट मेथडोलॉजी. एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी फर्स्ट टाइप इज दैट प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट. प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट is a relatively quick exercise to first is that establish energy consumption in the organization, establish energy consumption in the organization. Second point is that estimate the scope for saving.
एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग, एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग, स्कोप फॉर सेविंग. प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी. इन द प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट इज ए रिलेटिवली क्विक एक्सरसाइज टू, इसमें जो जल्दी से हम प्रीलिमिनरली एनर्जी ऑडिट में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज द एस्टैब्लिश एनर्जी कंजम्पशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी कंजम्पशन को एस्टैब्लिश करना. एस्टैब्लिश एनर्जी कंजम्पशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी कंजम्पशन को एस्टैब्लिश करना. सेकेंड इज दैट एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग, यानी सेविंग के लिए जो स्कोप है उनको एस्टिमेट करना. एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग, जो भी सेविंग के लिए स्कोप है उनको एस्टिमेट करना. सेकेंड एंड थर्ड इज द आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली identify the most likely and the easiest areas for attention and the easiest area for attention. This is the next point in the preliminary energy audit, which we can identify the most likely and the cost easiest areas for attention. उन सबसे ज्यादा areas को identify करेंगे जहां पे the easiest areas for attention, जहां पे आसानी से हम ध्यान दे सकते हैं, उन areas को identify करते हैं. Identify the most likely and the easiest areas for attention. यानी attention के लिए ध्यान देने के लिए easiest areas को हम सबसे पहले identify करेंगे. Now the fourth point is that in the preliminary energy audit methodology, the first point is that establish energy consumption in the organization. Organization में energy consumption को establish करते हैं. सेकेंड इज दैट एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग, सेविंग के लिए जो स्कोप है उनको एस्टिमेट करते हैं. थर्ड इज द आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली एंड द इजीएस्ट एरियाज फॉर अटेंशन, यानी कि जहां पे ध्यान देने के लिए जो इजीएस्ट एरियाज हैं, जो सबसे आसानी वाले एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इन द प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी इज दैट identify immediate especially no cost या लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स सेविंग. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इन प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट. आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स, जहां पे कम कॉस्ट पे या नो कॉस्ट पे इंप्रूवमेंट्स या सेविंग हो सकती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली नो कॉस्ट ऑब्लिक लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स सेविंग, जहां पे हम जो नो कॉस्ट या लो कॉस्ट पे जो भी इंप्रूवमेंट या सेविंग हमारी हो सकती है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली नो कॉस्ट ऑब्लिक लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स सेविंग, जहां पे नो कॉस्ट या सबसे कम कीमत पे कुछ इंप्रूवमेंट्स या सेविंग हो सकती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई इमीडिएट करते हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट
सेट ए रेफरेंस पॉइंट, सेट ए रेफरेंस पॉइंट, सेट ए रेफरेंस पॉइंट। अब क्या करते हैं, रेफरेंस, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, सेट ए रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट आइडेंटिफाई एरियाज, आइडेंटिफाई एरियाज, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एरियाज, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी, फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी, फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी, फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी या मेजरमेंट, पब्लिक मेजरमेंट। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इन प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट। सिक्स पॉइंट इज दैट आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी। ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है, जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी या मेजरमेंट। ऐसे एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी के लिए आवश्यकता है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल स्टडी या मेजरमेंट, उन एरियाज के लिए, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी की आवश्यकता है या डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड मेजरमेंट की आवश्यकता है, उन एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जहां पे हमें डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट, जहां पे डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उन एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए उन एरियाज को डिटेल स्टडी के द्वारा या डिटेल स्टडी मेजरमेंट के द्वारा उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे ज्यादा डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है। नाउ द सेवन पॉइंट इज दैट प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, 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 ऑडिट यूजे एग्जिस्टिंग कॉमा और इजीली ऑब्टेन डेटा, और इजीली ऑब्टेन डेटा, इजीली ऑब्टेंड डेटा। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इन प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजे एग्जिस्टिंग और इजीली ऑब्टेंड डेटा। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में एग्जिस्टिंग डेटा का या आसानी से प्राप्त होने वाले डेटा को उपयोग में लेते हैं। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजे एग्जिस्टिंग और इजीली ऑब्टेंड डेटा। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में पुराने डाटा को या आसानी से प्राप्त होने वाले डाटा को उपयोग में लेते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप्स इज द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी। नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट इज द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी। एंड द सेकेंड टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट इज द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी। दिस इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट विच इज डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी। ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट, प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट, डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट, डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट, डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान, इंप्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर ए फैसिलिटी, फॉर ए फैसिलिटी, फॉर ए
facility. Since it tabulates all major energy using system. This is the first point in detailed energy audit methodology. A comprehensive audit provides a detailed energy project implementation. A comprehensive audit a detailed energy project implementation plan को provide करता है. For a facility, एक facility के लिए, since it ebullates all major energy using system, यह सारे जहां पे ज्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है उन सारे सिस्टम्स को ये क्या करता है, इब्यूलेट करता है, उनका मूल्यांकन करता है. ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर ए फैसिलिटी. एक फैसिलिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ए डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रदान करता है. सिंस इट इब्यूलेट्स ऑल मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम, यह सारे उन एनर्जी सिस्टम्स को इब्यूलेट करता है जहां पे ज्यादा एनर्जी का उपयोग हो रहा है. सिंस इट इब्यूलेट्स ऑल मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम, जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी का उपयोग हो रहा है उन मेजर एनर्जी सिस्टम्स को इब्यूलेट करने के लिए ये काम में आता है, क्योंकि ये सारे मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स को इब्यूलेट करता है या मूल्यांकन करता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी. Second point is that this type of audit offers the most accurate estimate the energy savings and costs. it considers the intersection effects, all projects, and all projects. It considers the intersection effects, all projects, all projects. Account for the energy use, 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 account for the energy use of all major equipment, and includes detailed energy cost, and includes detailed energy cost, saving calculations, and project cost. This is the next point in detailed energy audit methodology. This type of audit offers the most accurate estimate the energy saving.
इस प्रकार का जो ऑडिट है वो ज्यादा एक्यूरेट एनर्जी सेविंग एक्टिविटीज को एस्टिमेट करता है। दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑफर्स द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट द एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्ट। इस प्रकार का एनर्जी ऑडिट एनर्जी सेविंग और कॉस्ट को अच्छी तरीके से ज्यादा अच्छी तरीके से एस्टिमेट करता है। इट कंसीडर द इंटरैक्टिव इफेक्ट्स एट ऑल प्रोजेक्ट। इसका सारे प्रोजेक्ट्स पर इंटरैक्टिव इफेक्ट पड़ता है। इसमें कंसीडर करते हैं द इंटरैक्टिव इफेक्ट एट ऑल प्रोजेक्ट्स। सभी प्रोजेक्ट्स पर इसका इंटरैक्टिव इफेक्ट को इसमें कंसीडर करते हैं। अकाउंट फॉर द एनर्जी यूज ऑफ ऑल मेजर इक्विपमेंट। इसमें सारे मेजर इक्विपमेंट के द्वारा जो एनर्जी का जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट है सभी मेजर इक्विपमेंट के द्वारा जो एनर्जी का उपयोग हो रहा है उसको अकाउंट करते हैं, शामिल करते हैं। एंड इंक्लूड्स डिटेल्ड एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट। और इसमें डिटेल्ड एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशंस और प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें शामिल होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी इज दैट दिस इज द थर्ड पॉइंट इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी। Now the third point is that in a comprehensive audit, one of the key elements is the energy balance. One of the key elements is the energy balance. This is based on inventory of energy using systems. Assumptions of current operating conditions and calculations for energy use. This estimate is then compared to utility bill charges. This is the next point in a comprehensive energy audit methodology. In a comprehensive audit में वन ऑफ द की एलिमेंट इज द एनर्जी बैलेंस। सबसे ज्यादा बड़ा जो की एलिमेंट है वो है एनर्जी को बैलेंस रखना, एक सबसे बड़ा की एलिमेंट है। इन ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में वन ऑफ द की एलिमेंट इज द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी को बैलेंस करना एक सबसे बड़ा की एलिमेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री ऑफ एनर्जी यूजिंग सिस्टम। यह एनर्जी यूजिंग सिस्टम की इन्वेंट्री के ऊपर आधारित होता है। अजम्पशंस ऑफ करंट ऑपरेटिंग कंडीशंस के अजम्पशंस के ऊपर आधारित होता है। एंड कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी यूज, और एनर्जी यूज के लिए जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके ऊपर ये आधारित होता है।
दिस एस्टिमेट यूज इज देन कंपेयर टू यूटिलिटी बिल चार्जेज, जो भी एस्टिमेशन जो ये एस्टिमेट यूज है उसका उपयोग करते हैं हम यूटिलिटी बिल चार्जेस को कंपेयर करने के लिए. दिस यूटिलिटी यूज दिस एस्टिमेट यूज इज देन कंपेयर टू यूटिलिटी बिल चार्जेज, जो भी एस्टिमेशन का जो भी एस्टिमेट यूज है उसको हम यूटिलिटी बिल चार्जेज के साथ कंपेयर कराते हैं. इस एस्टिमेट यूज को तब हम क्या करते हैं, यूटिलिटी बिल चार्जेस के साथ कंपेयर कराते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट इज कैरिड आउट इन द थ्री फेजेज. And these phases are first phase is the phase first. This is called pre-audit phase. First phase is called pre-audit phase, and the phase second, which is called post-audit phase. Second phase is the audit phase, and the third phase is that phase third, which is called post-audit phase. This is the third phase. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट इज कैरिड आउट इन थ्री फेजेज. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट है उसको तीन फेजेज में हम पूरा करते हैं. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट को तीन फेजेज में हम पूरा करते हैं. एंड दीज फेजेज आर और ये तीन फेज ये हैं. फर्स्ट फेज इज द फेज फर्स्ट विच इज प्री ऑडिट फेज. फर्स्ट फेज फेज फर्स्ट इज कॉल्ड प्री ऑडिट फेज, एंड फेज सेकेंड इज कॉल्ड द ऑडिट फेज, एंड द फेज थर्ड विच इज कॉल्ड पोस्ट ऑडिट फेज. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट को तीन फेजेज में हम कैरी कर तीन फेजेज में करते हैं. डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट जो हम करते हैं वो तीन फेजेज में करते हैं. और दीज फेजेज आर और ये फेजेज हैं, फेज फर्स्ट विच इज कॉल्ड प्री ऑडिट फेज, एंड फेज सेकेंड विच इज कॉल्ड ऑडिट फेज, एंड फेज थर्ड विच इज कॉल्ड पोस्ट ऑडिट फेज. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.